आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए बहुत ध्यान से समझिए, एक एक पोर्शन से एक एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, और लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। बेसिकली फोर चैम्बर्ड ये हमारा हार्ट होता है। फोर चैम्बर्ड में ये ऊपर के दो होते हैं, वन एंड हेयर इट इज व्हाट, टू। आपको दो हिस्से दिख रहे हैं, ये एट्रियम है। दीज आर व्हाट, दीज आर एट्रियम। इसको ऑरिकल भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इसमें कौन लेफ्ट और कौन राइट है, तो पेपर शीट पे बनाने के बाद ऐसे खड़े हो जाओ भाई। ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो जो राइट साइड में है वो राइट पोर्शन होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट पोर्शन होगा। कंफ्यूजन दूर, गुड। अब ये राइट साइड में जो एट्रियम है, इसकी खास बात ये है कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट से इकट्ठा करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है। कलेक्शन सेंटर है ये, किसका? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। कहां से? बॉडी के सभी पार्ट से, एक्सेप्ट लंग्स, फेफड़ों को छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह से। और यहां पे जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो तीन होती हैं, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, और इसके अलावा कोरोनरी आर्ट, यहाँ पे कोरोनरी वेंस होती है जो यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, ठीक है, वो हार्ट के अंदर ही होती हैं। इसके बाद अब समझने वाली और क्या बात है यहाँ भाई, यहाँ पे ओके, लेट मी क्लियर दिस वन, ठीक है। सो अब ब्लड का कलेक्शन होता है, तो यहां पे एक वॉल्व होती है, एस शेस्टिशियन वॉल्व, एस्टिशियन वॉल्व, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम कहते हैं एस्टिशियन वॉल्व, ठीक है। और एस्टिशियन वॉल्व से लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जहां पे सेप्टम होती है, जहां पे दोनों एट्रियम मिलते हैं, उस जंक्शन पे एक ग्रूव पाया जाता है, जो कि नॉर्मली अब कवर हो चुका होता है, ये पूरी तरह से बंद हो चुका है, ठीक है। इस पूरे एरिया को, इस एरिया को हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। इसको क्या कहते हैं हम? फोसा ओवैलिस। जब बच्चे एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है, उस समय हमारे दोनों एट्रियम आपस में जुड़े होते हैं, यानी फ्लो होता ही रहता है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरेशन होता है, और सातवें महीने के बाद, यानी लगभग एट्थ मंथ में आते आते 38 हफ्ते जब बीत जाते हैं, तो इस पे सेप्टम हैवी होती चली जाती है, और फाइनली बर्थ से पहले ये पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। और अगर ये क्लोज ना हो पाए तो आपको पता है कि दिल में छेद हो जाता है भाई, ठीक है, मतलब कि ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। सो इट मस्ट बी क्लोज्ड। राइट साइड से, यानी राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ फ्लो करेगा? ब्लड का फ्लो होगा राइट साइड के वेंट्रिकल में, राइट साइड के वेंट्रिकल में। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। ब्लड का फ्लो भी देखते रहिए, ईसीजी पे बात करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे, इसको नहीं समझेंगे तो हमें ईसीजी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो ब्लड फ्लो करेगा राइट एट्रियम में, और फिर राइट एट्रियम में इकट्ठा होने के बाद वो फ्लो करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, तो यहां पे वॉल्व प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहां पे जो वॉल्व होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि राइट साइड में है, राइट साइड में है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। फिर से सुनिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये समझ में आ रहा है?
किसी को कोई दिक्कत? गुड, होना भी नहीं चाहिए. अब राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसके थ्रू ब्लड एंटर करता है. एंटर करने के बाद अब ये वॉल्व फिर से क्लोज हो जाएगा. अच्छा, वॉल्व दिल बीमार ना हो इसलिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. क्या? यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बना के रखते हैं. यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बना के रखते हैं. और ब्लड का फ्लो आपने देखा इस डायरेक्शन में आ रहा है. ओके, इसके बाद जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा यानी सिकुड़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, तो यहाँ से ब्लड फिर फ्लो करेगा और बाहर की ओर निकलेगा. और बाहर निकल के जाएगा कहाँ? ये जाएगा लंग्स की ओर. कहाँ पे जाएगा ये भाई? लंग्स की ओर. किसी को कोई दिक्कत? बोर्ड वोर्ड सबको साफ दिख रहा है भाई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एकदम साफ सुथरा दिख रहा है. ओके गुड. तो ये कहाँ जा रहा है? लंग्स की ओर. और लंग्स की ओर ले जाने वाली जो ब्लड वेसल है वो कौन है? वो आर्टरीज हैं. फिर से सुनिए, कौन ले जा रहा है? आर्टरीज. लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. जबकि नॉर्मल आर्टरी का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं. सो दिस इज व्हाट पल्मोनरी आर्टरी. कहीं कोई दिक्कत? अब ये जो पल्मोनरी आर्टरीज आप देख रहे हैं वो यहां से निकलने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक इधर और एक इधर, यानी एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में. फर्दर वो लेफ्ट और राइट साइड में जो जाते हैं फिर से दो ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं. फाइनली वो कैपिलरी नेटवर्क्स बनाते हैं और फिर वहां से इकट्ठा होता है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो गया. कहाँ? लंग्स पे. ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनमें CO2 बहुत ज्यादा है, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो लंग्स पे पहुंच गए. लंग्स पे एक्सचेंज हो गया, फिर से इकट्ठा होंगे और फिर इकट्ठे होके कहाँ पहुंचेंगे? यस, ह्यूमन हार्ट. सो कितना इंपॉर्टेंट सेंटर है आप समझ सकते हैं. ऑक्सीजन की सप्लाई को कितने अच्छे से ये आगे बढ़ा रहा है इसके लिए आपको इस डायग्राम से पता चल रहा है ना. अब जब कलेक्शन होता है तो कलेक्शन के बाद पल्मोनरी वेन्स का यूज हो रहा है यहाँ पे. इफ यू कैन सी, ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड, मोर ऑक्सीजन वाली ब्लड को यहाँ पे ला रहे हैं. और ला कहाँ रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम में. कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में. बहुत ध्यान से समझिए. और ला कहाँ से रहे हैं? कहाँ से? लंग्स से. तो पल्मोनरी वेन है ये. फिर समझिए, नॉर्मल वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं यानी जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा है ना. लेकिन ये पल्मोनरी वेन है तो पल्मोनरी वेन का स्पेसिफिक फंक्शन ये हो गया कि ये O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और उसको कैरी करेंगे फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, स्पेशली टू द एट्रियम. ठीक है, ये भी चार होंगे, दो लेफ्ट लंग से और दो राइट लंग से. ये समझ में आ रहा है? गुड, यू मस्ट बी क्लियर विद द टर्म्स. जहां भी दिक्कत होगी प्लीज मैसेज करिएगा, मैं देख लूंगा. मेरे सामने स्क्रीन लगा है, मैं देख सकता हूँ कि आपको दिक्कत हो रही है. ओके, मैं थोड़ा सा मोटा करके देखता हूँ, मे बी ये काम करे. ओके ठीक है. अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इकट्ठा हो गया. लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड इकट्ठा होगा तो एट्रियम क्या होगा? फैलेगा भाई. ब्लड इकट्ठा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा? यस, डायस्टोल होगा. डायस्टोल होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसको फिर क्या होगा? ब्लड को नीचे आना पड़ेगा. अब आपको दिख रहा है भाई? ओके गुड. तो अब ये नीचे की ओर आ रहा है. नीचे की ओर जब आता है तो यहां पे फिर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और दिस टाइम दीज आर मिट्रल वॉल्व्स. दीज आर व्हाट? मिट्रल वॉल्व्स, बाइकस्पिड वॉल्व. इसी को हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं.
अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट है, सो इट इज व्हाट, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. दिस इज व्हाट, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. एम आई क्लियर? ओके, क्लियर ही होगा, ये तो बहुत आसान टॉपिक है. ठीक है, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो ये कैसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. कैसा ब्लड है भाई? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. अब क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और अब यहां पे डायस्टोल हो चुका है, पूरी तरह से फैल चुका है, इसके बाद इसको सिकुड़ना होगा. अब ये जब सिस्टोल करेगा तो यहां से ब्लड निकलेगी और ब्लड इस पाथ को फॉलो करते हुए बाहर निकलेंगे. साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहां पे बहुत सारे बाहर निकलने के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं, एओर्टिक आर्क. तो जो बाहर निकलने का पाथ है वो होता है एओर्टा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है? एओर्टा. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. एओर्टा फर्दर डिवाइड होती है किसमें? आर्टरी में. और आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है किसमें? आर्टरियोल्स में. आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें? कैपिलरीज में. ठीक है, इसी तरह से फिर कैपिलरीज इकट्ठी होती है, वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स वेन बनाते हैं, और वेन फाइनली वेना कावा बनाते हैं. ये नेटवर्क होता है. आप लोगों ने वैसे इस लेफ्ट वेंट्रिकल, सिंस इट रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इट पुश ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया एओर्टा, वाया दिस एओर्टा. ओके, बट यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट पॉइंट नोट दिस वन, कि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है लेकिन लंग्स में नहीं जाता है. बट नेवर टू द लंग्स. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसी तरह से वेना कावा जो थे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा तो कर रहे थे बॉडी के हर पार्ट से, बट नेवर फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, लंग्स से इकट्ठा नहीं कर रहे थे. तो लंग्स को यहां पे पूरी तरह से हटा दीजिए. ऐसा सर्कुलेशन जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक है, यानी ये ब्लड जा तो रहा है बॉडी के हर एक पार्ट में और फिर इकट्ठा भी हो जा रहा है हार्ट में, लेकिन लंग्स यहां पे इन्वॉल्व नहीं है. तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं व्हाट? मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था, कोई आंसर दे सकता है क्या? यस, आई एम रेडी. मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे, कोई आंसर दे सकता है क्या? इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन. यस, नो वन. बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप लोग. उसको कहते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन. इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. और दूसरे तरह का सर्कुलेशन जो यहां पे है, जो कि आप देख पा रहे हैं, वो क्या है कि यहां से लंग्स के ओर, ये लंग्स की ओर जा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इट विल बी कलेक्टेड टू द हार्ट. इसमें बाकी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, केवल लंग्स. यानी ये कनेक्शन किसके किसके बीच में? ह्यूमन हार्ट और लंग्स के बीच में है. तो इस तरह का जो सर्कुलेशन होगा उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. इसके अलावा इस हार्ट में खुद भी सर्कुलेशन होता रहता है. ठीक है, तो यहां पे जो सर्कुलेशन होगा उसको हम बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन. तो क्वेश्चन बनता है कि कितने तरह के सर्कुलेशन हो सकते हैं भाई? तीन तरह के हो सकते हैं. ठीक है, एक सिस्टेमिक, दूसरा पल्मोनरी, और तीसरा कौन सा है? तीसरा खुद इसका, यानी कोरोनरी. तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर आता है तो. पीजीटी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, सीएसआईआर में नहीं आएगा, बट पीजीटी टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट्रियम यानी जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहां पे जो सेल्स होती हैं वो थिन होती हैं। वो कैसी होती हैं? वो थिन होती हैं। जबकि नीचे वाले पार्ट की बात कर लीजिए, तो यहां पे जो सेल्स होंगी उनकी लेयर कैसी होगी? थिक होगी। अब ऐसा क्यों हो गया भाई? एट्रियम थिन और वेंट्रिकल थिक, ऐसा क्या हो गया? मायोकार्डियल सेल्स ने क्या अपना चाल बदल लिया क्या कि फलाने के साथ तो अचार खाएंगे लेकिन उनके साथ तो खट्टा नींबू ही खाएंगे चाहे जो हो जाए, है ना? ना ना, उनके साथ तो हम खट्टा नींबू खाएंगे चाहे जो हो जाए। क्या है डबल सर्कुलेशन? नहीं, डबल सर्कुलेशन ये नहीं होता बेटा, लेट मी क्लियर। ओके, शालिनी जी ने लिखा है कि डबल सर्कुलेशन कहते हैं, वैसे दीपशिखा जी ने लिखा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, थ्री टाइप सर्कुलेशन। ओके गुड, कार्डियक मसल सेल्स। ओके गुड गुड, ठीक है, मैं आपके डबल हार्ट सर्कुलेशन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या है कि ये, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, इस पूरे हार्ट को इस प्लेन पर डिवाइड कर लीजिए। अब ये जो आप देख रहे हो राइट साइड वाला पार्ट, ये राइट साइड वाला पार्ट और ये लेफ्ट साइड का पार्ट, बहुत क्लियरली समझ लीजिए डबल हार्ट सर्कुलेशन को। राइट साइड में केवल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठी हो रही है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रही है, फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, मोर CO2 कंसंट्रेटिंग ब्लड अंदर आ रही है और फिर यहां से CO2 कंसंट्रेटिंग ब्लड बाहर निकल रही है। तो हर बार CO2 इकट्ठी हो रही है और CO2 बाहर निकल रही है, इज इट क्लियर? और ठीक इसी तरह से यहां पे मोर O2 कंसंट्रेटेड ब्लड अंदर आ रहे हैं, बार बार ये अंदर आ रहे हैं और ये निकल रहे हैं, है ना? यानी आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, तो राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लेफ्ट साइड में केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहे, दे आर नेवर गॉट मिक्स्ड। ये समझ में आ रहा है? तो एक एक ही हार्ट है ना, एक ही दिल है बेचारा, एक ही दिल में दो बार ब्लड आ रहा है लेकिन एक बार बिना एनर्जी के आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड थका हारा सा, दूसरी बार खूब ढेर सारी एनर्जी यानी ऑक्सीजन लेके आ रहा। वाह, अब बताओ कहाँ मारना है? हार्ट में दो बार ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड और एक बार ऑक्सीजनेटेड, और वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। वो क्या मिक्स नहीं हो रहे हैं? इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल हार्ट सर्कुलेशन। बहुत अच्छे से समझ में आया? गुड। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, गुड। तो योगेश जी ने कहा कि थिक इसलिए होती है क्योंकि सभी पार्ट्स को भेजना है। बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है योगेश जी, आपको मिलते हैं 100 नंबर बिल्कुल, और कौन बनेगा करोड़पति में आप बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं। आगे बढ़ा जाए फिर। नेक्स्ट, अब देखिए ये थिक होता है और ये थिन होता है। इसमें से भी नीचे वेंट्रिकल की बात कर लें केवल, तो वेंट्रिकल में जो राइट साइड का वेंट्रिकल है कंपैरेटिवली लेस थिकर होता है और लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है कंपैरेटिवली मोर थिकर होता है। भाई ये सब बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि अभी ईसीजी में जब आएंगे तो ये बहुत काम की चीज है, ये पतला है, ये मोटा है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि चाहे राइट साइड से बाहर निकल रहा हो ब्लड और चाहे लेफ्ट साइड से निकल रहा हो, जब ये निकलते हैं तो यहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वॉल्व, और इसको हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व, लूनर का मतलब चंदा मामा, बचपन में चंदा मामा, फिर बड़े हो जाते हैं तो चंदा मामा का जो कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है भाई साहब, है ना? तो सेमी लूनर वॉल्व। ओके वेरी गुड,
सेमी मीन्स हाफ, लूनर मीन्स चंद्रमा, आधे चंद्रमा की तरह दिखने वाला वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। लेकिन लेकिन ये तो छोटे बच्चों के लिए हो गया जो 11th 12th में पढ़ते हैं, आप तो पीजीटी का एग्जाम, सीएसआईआर का एग्जाम देने जा रहे हो, सो यू मस्ट बी क्लियर दैट द राइट साइड की बात कर रहे हैं हम, राइट साइड है ना, ये हो गया राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। राइट साइड में यानी जहां पे पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही है, यहां पे जो सेमी लूनर वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी वॉल्व होगा, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरीज को कैरी कर रहा है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड का सेमी लूनर वॉल्व होगा उसको आप एओर्टिक वॉल्व कहेंगे, ठीक है। तो कितने वॉल्व पढ़े आपने, ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व यानी लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक। इसी तरह से सेमीलूनर वॉल्व राइट वाले को कहेंगे क्या, पल्मोनरी वॉल्व, और लेफ्ट वाले को कहेंगे एओर्टिक वॉल्व। इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहां से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली केवल हार्ट के अंदर होने वाला सर्कुलेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे, थर्ड टाइप का, जो कि नॉर्मली दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी रेड कलर से दिखा रहा है, मतलब क्या है ये, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, और ये किसी भी नॉर्मल ह्यूमन हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में मिले किसी भी पार्ट में, जैसे मान लीजिए कि इस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सप्लाई की कमी हो गई, तो क्या होगा, ये सेल धीरे धीरे यहां पे ये पार्ट डेड हो जाएगा, यानी यहां पे क्या होगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, यहां पे फ्रैक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन। ये क्या है, मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन। किसी को कोई दिक्कत, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और अगर है तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, मैं देख लूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक कंडक्शन सिस्टम होता है जो कि शुरुआत होती है, कलर चेंज कर लेना चाहिए यहाँ पे, और थोड़ा सा मोटा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एट दिस साइड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइनो एट्रियल नोड है, एस ए नोड, एंड दिस साइनो एट्रियल नोड इज एक्चुअली नेचुरल पेसमेकर, ठीक है। तो पीजीटी में बार बार सवाल आता है, और सीएसआईआर में तो ऐसा सवाल नहीं पूछता है, सीएसआईआर के सवाल अभी आगे वाले सेक्शन से उठेंगे, पीजीटी और टीजीटी में और नीट के एग्जामिनेशंस में भी खूब ढेर सारे सवाल आते हैं कि नेचुरल पेसमेकर कौन है भाई, कौन है नेचुरल पेसमेकर। तो नेचुरल पेसमेकर कौन होता है, एस ए नोड, याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, एस ए नोड को नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। अब एस ए नोड से ब्रांचेस निकली होती हैं, और ये है बैचमैन्स बंडल, ये है मिडल इंटर नोडल बंडल्स ट्रैक जिसको कहते हैं, और फाइनली ये कहां पे पहुंचते हैं, जंक्शन पे, जहां पे एट्रिया और वेंट्रिकुलर का जंक्शन होता है, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकुलर जंक्शन यहां पे मिलेगा, ठीक है। और यहां पे एक और स्पेशलाइज्ड कंडक्शन करने वाली टिश्यू प्रेजेंट है, और इस टिश्यू को हम कहते हैं व्हाट, ए वी नोड। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ए वी नोड, ठीक है। ए वी नोड यानी एस ए नोड का जो रिसीवर होता है, जो उसके इंपल्स को रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं ए वी नोड।
एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्स नाम की ग्रीन फाइबर निकली होगी जिसकी बाद में ब्रांचेस बन जाती हैं, है ना। तो जो इधर गया वो लेफ्ट वाली ब्रांच हो गई भाई, वो कैसी ब्रांच हो गई, लेफ्ट। और जो इस साइड मुड़ गया वो क्या हो गई, राइट ब्रांच। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतना तो आपको आना ही चाहिए, मतलब कि एक ग्रेजुएट पीपल को इतना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत प्लीज आप लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूं। ओके गुड, नहीं है कोई दिक्कत, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेम टू सेम वही वाला कहानी है पिछला ही, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके दिखा दिया है, ठीक है। फर्दर क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस के आंसर मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।